हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉजिक टाइकून। अभी तक अपने कोर्स में हमने तीन लूप्स के बारे में पढ़ा है, यानी फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। लेकिन सी शार्प में एक और लूप भी होता है जिसे फॉर ईच लूप कहते हैं। फॉर ईच लूप एक स्पेशल टाइप का लूप है जो कि कलेक्शन को इस्तेमाल जब हम करते हैं या कलेक्शन हम बनाते हैं तो उसके लिए हम फॉर ईच का इस्तेमाल करते हैं उसके डेटा को रिट्राइव करने के लिए। यानी फॉर ईच लूप कलेक्शन के साथ काम करता है। मैं सबसे पहले आपको इसका एक फ़र्क बताऊं कि मैं एक एरे बनाता हूं स्ट्रिंग का, मैं इसे नाम देता हूं ईएमपी नेम और मैं इसे एक लेंथ भी देता हूं। ठीक है जी, ये मैंने एरे बनाया, कुछ वैल्यूज़ हम इस पर रख देते हैं। तो मैंने कुछ वैल्यूज़ यहाँ पर रीसेट करा ली। अब स्ट्रिंग का एरे था, मैंने कुछ नाम यहाँ पर इंसर्ट करवा दिए। अब हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा था जो लूप की बड़ी थी हमने कि एरे को हम लूप की मदद से किस तरह प्रिंट करवाते हैं। तो मैं अगर फॉर लूप की मदद से इसको प्रिंट करवाऊँ तो कुछ इस तरह से होगा। मैं लिखूँगा इंटीजर ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो, फिर मैं लिखूँगा ए लेस देन एरे का नाम और उसकी लेंथ के, और फिर मैं लिखूँगा ए प्लस प्लस, और यहाँ पर फिर मैं एरे की इंडेक्स, मुझे जो प्रिंट करवानी है उसके इंडेक्स को सेट करना पड़ेगा, और मैं यहाँ पर लिखूँगा ए। यानी जो भी लूप है लूप वैसे ही चल रहा है जैसे एरे के इंडेक्सेस हैं, तो ये एक एक करके वैल्यू यहाँ पर ला के और प्रिंट करवाता रहेगा। तो हम अगर इसको यहाँ पर चलाएँ तो ये हमें सारा का सारा लूप प्रिंट करके देता है, इसमें कोई एरर नहीं है, कुछ नहीं है। ये सिंपली लूप की मदद, फॉर लूप की मदद से हमने ये प्रोग्राम चलाया। लेकिन अगर हमें फॉर ईच की मदद से हम ये चलाते तो ये देखें कि ये कितना आसान काम हो जाता। मैं यहाँ पर एक सेपरेटर भी लगा देता हूँ। ताकि ये सेपरेट रहे। अब आपने फॉर ईच का सिंटेक्स और उसको कैसे लिखते हैं वो देखें। तो सबसे पहले आप लिखते हैं फॉर ईच कीवर्ड, आप ब्रैकेट लगाते हैं और उसकी बॉडी बनाते हैं। अब ये जिससे मैंने कहा कि एक स्पेशल टाइप का लूप है जो कि कलेक्शन के लिए यूज़ होता है। तो अब आपने करना क्या है, अब आपने यहाँ पर एक वार टाइप का वेरिएबल बनाना है। आप कोई भी टाइप रख सकते हैं, वार एक ऑब्जेक्ट टाइप होती है इसलिए मैंने वार रखा, और यहाँ पर आप कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने नाम दे दिया ईएमपी, ये यूज़र डिफाइंड नाम है, आप इसको कुछ भी रख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी पर चलेगा। उसके बाद आप कीवर्ड लिखते हैं IN, यानी इन, और फिर आप एक्चुअल कलेक्शन का नाम, यानी मैंने एरे का नाम यहाँ पर लिख दिया। अब इसका मतलब है कि मैंने जो वेरिएबल बनाया है इस कलेक्शन में जाओ और इसकी वैल्यू निकाल कर इसको दे दे रहा हूँ, दैट्स इट। उसके बाद मैं सिंपली कंसोल डॉट राइट लाइन यहाँ पर लगाऊंगा और मैं यहाँ पर ईएमपी को प्रिंट करवा दूँगा। ठीक है जी, और हम इसको यहाँ पर एक ऊपर हेडिंग रख देते हैं कि ये हमारा फॉर ईच लूप का एरिया है। तो देखें, ना ही तो मैंने कोई किसी वेरिएबल को यहाँ पर इनिशियलाइज करवाया, ना ही मैंने कोई लिमिट दी, ना ही कोई इंक्रीमेंट, कुछ नहीं। जैसे मैंने बताया कि स्पेशल टाइप है और ये कलेक्शन के लिए होता है, तो ये ऑटो एडजस्ट कर लेता है, ये इनकी मदद से एक एक एलिमेंट इसको देगा और एक एक इसको प्रिंट करवाता रहेगा। अगर आप इसको देखना चाहें तो हम इसे यहाँ चलाते हैं। तो देखें, फॉर ईच लूप का पहला वाला एरिया यहाँ, आप इस फॉर ईच लूप के एरिए को देखते हैं, इसने सारे की सारी वही एलिमेंट्स ऑटोमेटिकली प्रिंट किए जो हमने लूप की मदद से यहाँ पर प्रिंट किए थे, फॉर लूप की मदद से। ये आपके सामने है, तो ये फॉर ईच का लूप का काम। तो फॉर ईच लूप बहुत आसान है इसको यूज़ करना, सिंटैक्स बहुत ईजी है और काम बहुत परफेक्ट और बहुत अच्छा करता है। तो जब भी कभी आप एरे से वैल्यू आप यूज़ कर रहे हों और एरे स्टोर करवा के उसे आप रिट्राइव करवा रहे हों, या कोई और कलेक्शन आपने यूज़ की हो, तो आप फॉर ईच लूप यूज़ करें। यह सबसे ज़्यादा अच्छी अप्रोच है सी शार्प। ये सिंटेक्स इसका बिल्कुल सिंपल है, मैं अगेन एक बार रिपीट कर देता हूँ। आपने कोई भी वार टाइप लेना है या कोई स्ट्रिंग टाइप, अगर आप स्ट्रिंग भी लेते तो कोई मसला नहीं था। मैंने यहाँ पर उसका कोई भी एक नाम दे दिया, आप ये नाम चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। इन कीवर्ड है, ये आपने ऐसे ही लिखना है, और फिर यहाँ पर वो नाम आएगा, वो कलेक्शन आएगी जिसमें से आप डेटा निकाल कर इसके अंदर स्टोर करवाते हैं और ये सारा करते हैं। सो देखने से ही पता चलता है कि आप इसको यूज़ करने के बजाय इसको यूज़ करेंगे
तो ये ज़्यादा आपके पास ऑप्टिमाइज वे है कोड को करने का और लिखने का। सो ये फोर ईच लूप, अगर आप इसको और बेहतर तरीके से समझना चाहें तो आप इस पे यहाँ पर डीबग लगा सकते हैं और यहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हैं कि जी ये किस तरह से काम कर रहा है और किस तरह से ये सारा प्रोसेस चलता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, आप स्टेप ओवर कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ये आया तो यहाँ एम्प्लॉय में इसको जॉन मिला, यानी पहली वैल्यू। अब यहाँ ये अब देखें, यहाँ आया इन में, ये वो कलेक्शन है जिसके अंदर सारी की सारी स्ट्रिंग्स मौजूद हैं, ये हमें यहाँ दिखा रहा है। और इन में यानी मैंने कहा कि ये इसके अंदर इसमें स्टोर करवा दूँ, तो जैसे जैसे मैं स्टेप ओवर करूँगा, देखिए यहाँ से प्रोसेस यहाँ गया और उसके अंदर इस वक्त जॉन था, लेकिन जब आप आगे जाएंगे तो यहाँ पर दूसरी इंडेक्स स्टोर हो चुकी है। सो ये जेड, तो ये क्या करता है कि एक एक एलिमेंट निकाल निकाल कर इसको देता है, और ये वाला ये जो हमने वेरिएबल ये बनाया, ये हमने जो ऑब्जेक्ट यहाँ हमने बनाया वो हम यहाँ पास करते हैं और उसके अंदर वैल्यू ये स्टोर करवा कर प्रिंट करवाता रहता है। तो ये इसका फंक्शनैलिटी है, बहुत आसानी से यूज़ करना, बहुत काम की चीज़ है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जब भी एरे के साथ या हर किस्म के कलेक्शन के साथ। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात फॉर ईच लूप समझ आया हो, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई सवाल हो तो ज़रूर मुझसे पूछिएगा, और इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ आई हो, तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। किसी न्यू वीडियो में मिलते हैं, तो गुड बाय।